नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें बीते दिनों ही पता चला, जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत और छाती में दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल संजय लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। बता दें कि संजय दत्त लंग कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं, जिसमें जान का खतरा भी रहता है। फेफड़ों में होने वाला ये कैंसर सिर्फ शराब और सिगरेट पीने से ही नहीं, बल्कि अनुवांशिक गलत खानपान, एक्सरसाइज ना करना, प्रदूषण के कारण भी हो सकता है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि संजय को लंग कैंसर किस वजह से हुआ है। आपको बता दें कि शरीर लगातार पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। शरीर में रोजाना करीब 40,000 कोशिकाएं डेड कोशिकाओं को रिप्लेस करती हैं, मगर कई बार एक ही कोशिका लगातार बढ़ती रहती है, जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती है। किसी भी कैंसर की तीन अवस्था होती है। पहली स्टेज में ट्यूमर सिर्फ फेफड़े तक ही रहती है। दूसरे स्टेज में ट्यूमर एक फेफड़े के अलावा कॉलर बोन के ऊपर, लिम्फ नोड्स और सीने में फैल जाता है, लेकिन वो दूसरे अंगों में नहीं पहुंचता। वहीं तीसरे स्टेज में कैंसर शरीर के दूसरे अंगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, जबकि लंग कैंसर के मामले में ऐसा नहीं है। इसमें कैंसर लिम्फ नोड और लंग्स में ही फैलता है और दूसरे अंगों तक नहीं पहुँचता। यही वजह है कि लंग कैंसर को स्थानीय बीमारी भी कहते हैं। लंग कैंसर की आखिरी और चौथी स्टेज सबसे खतरनाक मानी गई है, क्योंकि दूसरे अंगों तक भी फैलना ये शुरू कर देता है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि कैंसर का इलाज इस पर निर्भर करता है कि वो किस जगह और कितना बड़ा है। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट्स की उम्र भी देखकर इलाज करते हैं, जिसमें सर्जरी, लेजर थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एंडोस्कोपिक स्टेट और इम्यूनोथेरेपी शामिल है। डॉक्टरों की माने तो इस स्थिति से बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बस मरीज को अपने लाइफस्टाइल और डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक सही वक्त पर इलाज करवाने पर संजय जल्दी रिकवरी भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।